अभी एक घर में शादी तय हो रही है, वर पक्ष के लोग वधु पक्ष के लोग दोनों परिवारजन बैठे हैं, तारीख वगैरह निकाली जा रही है। तभी एक बोले, भाई परिचय हो जाए, ये आपका लड़का क्या करता है? सीए है। सीए है, अच्छा अच्छा और ये आपकी बेटी? वो भी सीए है। और वो आपकी पत्नी? वो भी सीए है। बहुत पढ़ी लिखी फैमिली भाई। अच्छा अच्छा आप क्या करते हैं? मैं जब कपड़ा काटूं वो लोग सीए। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया परिवार है। तय हो गया। फिर इतने में जैसे तय हुआ तो दूल्हा भाग के गया एक पंडित के पास। पंडित जी से बोला, महाराज प्रणाम, महाराज हमारी अभी अभी शादी तय हुई है, हमारी हस्तरेखाएं देख के बताइए हमारी आपस में कितनी चलेगी, आपस में कितनी पटेगी। पंडित जी बोले, तुम्हारी हस्तरेखा बता रही कि शुरू के 3 वर्ष बड़े कठिन है, शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति पर भारी है, शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति से कपड़े धुलवाएगी, शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति से बर्तन मंजवाएगी, शुरू के 3 वर्ष बड़े कठिन है। अच्छा महाराज 3 वर्ष के बाद? 3 वर्ष के बाद तुम्हें इन सब चीजों की आदत हो जाएगी। अच्छा शादियों में मैं गया हूं, कभी कभी जरूरत से ज्यादा खातिर करते हैं, उसमें आदमी भूखा रह जाता है, खाने नहीं दें घेर लेंगे, खाना लेने चले, नहीं नहीं ये मत लीजिए राजू जी, ये गरम लीजिए, ये वापस, अच्छा ये नहीं, अरे आप कबाब ट्राई कीजिए, अच्छा अच्छा नहीं नहीं बिरयानी बेस्ट है, बिरयानी कलकत्ता नहीं नहीं ये मत ये लीजिए, अच्छा नहीं दूसरे आया, ये क्या ले रहे भाई, ये लीजिए। इतना किनारे कर दिया, वहां दरवाजा आ गया, मुझसे कह रहा जाओ अब दूसरे बेटे की शादी में आना, मैंने तुम्हारा लिफाफा देख लिया था, इस जमाने में कोई 11 रुपए देता है? घर से भगा दिया। आजकल तो बड़े बड़े शहरों में बुफे सिस्टम होता है, अब घर के लोग तो खिलाते नहीं, घर के लोग नहीं खिलाते, वो खुद सूट पहन के ऐसे घूमते रहते हैं अनजान लोगों की तरह, पूरी शादी अपनी बुक कर देते हैं, बुक करके जिनके यहां शादी वो ही एड्रेस ढूंढते रहते हैं, भाई यहां एक शादी थी गुप्ता जी की, हाँ तू ही तो खर्चा कर रहा, अंदर आ चल अंदर, वो अंदर आ जाएगा। और पहले जमीन पे सब पंगत लगती थी, पत्तल में खिलाया जाता था, मिट्टी का बर्तन रखा हुआ है, कुल्हड़ रखा हुआ है, एक लाइन इधर पंगत बैठ गई, इधर पीछे बैठ गई, सब घर के लोग खिला रहे हैं, तो इनके पत्तल में खाना नहीं आया उसकी चिंता नहीं है, इनको ये टेंशन होता है बीच में पीछे तो नहीं चालू हो गया, बैठे बैठे अरे यार राम प्रकाश कहां गलत बैठ गए, पीछे तो रायता आ भी गया, तब भी टाइम नहीं कट रहा है, तो पत्तल उठा के छेद चेक कर रहे हैं, 2 होल हैं, इसी में बहेगा, ला भैया एक पत्तल इसके नीचे रख दो, तब भी नहीं शुरू हुआ, तो मिट्टी का जो कुल्हड़ है उसको उठा के बोलते चलो इसी को साफ करें, पूरी मिट्टी मुंह में। अच्छा इतनी होशियारी से खाते हैं, कुछ लोग उधर से रसगुल्ले आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, जैसे नजदीक आने हुआ इनके पास जो रसगुल्ले थे वो खा लिए गप, लाओ भैया यहां भी तो दो, डबल चाहिए। अच्छा कभी कभी जो खाना सर्व करता है तो गलती से उससे एक आध आदमी छूट जाता है पंगत में, अब जब देने के नंबर आया तो किसी से वो बात करने लगा, उसमें एक आदमी छूट गया, अब उसका चेहरा देखिए, दे भाई साहब ये लीजिए गुलाब जामुन लीजिए, हाँ गुलाब जामुन, अरे गुड्डू वो गोभी वाली सब्जी लेके आओ, आगे निकल गया, ये रह गए बगैर गुलाब जामुन के, तो इनका मुंह ऐसा, अब बगल वाले ने ध्यान नहीं दिया इनके साथ ये हरकत हो गई, वो अनजाने में कह रहा शुरू कीजिए भाई साहब शुरू कीजिए, तुम करो तुम्हारे दिन है, तुम्हारे अच्छे दिन चल रहे हैं, अब इसको लेना है तो डायरेक्ट तो मांगेगा नहीं, तो बहाने से क्या कहेगा, ऐसा कुछ हो जाए
ये पूरी बिल्डिंग गिर जाए। तो बोला यार अजीब बात कर रहे हो, बिल्डिंग गिरेगी तुम बच जाओगे? तुम बचोगे क्या? अभी भी बच गए, रसगुल्ला कहां मिला? बहाने से मांग लिया। अच्छा कभी कभी खिलाते हैं तो देखने में लगता है झगड़ा हो रहा है, लेकिन होती मोहब्बत। खिलाने के वो होता है कि भाई कितना रिक्वेस्ट करके खिला रहा है, भाई साहब एक पूड़ी नहीं भैया हमारा हो गया, नहीं एक लीजिए, नहीं हो गया हमारा, धन्यवाद नहीं गरम, पहले भी गरम खा लिया यार, नहीं एक और गरम, अब गरम कोयला खुसड़ मुफ्त। अच्छा जो इधर बैठा है वो अनजाने में झगड़ा और बढ़ा देता है, अरे भाई साहब दो 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 इनको, अरे तू अपना खा। मतलब और आजकल शादियों में इतना प्रयोग हो रहा है, अब लोग रेगुलर शादी नहीं चाहते, अब उनको उसमें भी कुछ क्रिएशन चाहिए, नया चाहिए। दूल्हा अच्छा खासा तैयार हुआ, सेहरा वेरा पहना, इतने में भतीजा आ गया कहीं बंबई दिल्ली से MBA करके, अब उसको ये दूल्हा पसंद नहीं आ रहा है, बोल रहा है चाचा ओल्ड फैशन को अलग करो, वो गुटखा मसाला भरे हुए, अलग क्या करो यार, अलग तो दूल्हा पहने सेहरा पहने हल्दी लगी है उसमें, हल्दी लगवाया उसका अलग, मतलब क्या करो अलग। वो गए इसमें ऐसा करो सेहरे के ऊपर ना छोटे छोटे बल्ब लगवा लो, हमारी बिजली वाले से बात हो गई, वो पता नहीं कौन से बिजली वाले से तय कराया, वो दिवाली में जो बत्तियां बची थी वो झोले में भर के आया, पूरा झालर दूल्हे पहना दिया। अब दूल्हा जहां जहां से गुजरे लोगों की आंखें, दूल्हे से बोलने डांस करो, अरे डांस करो यार, नहीं नहीं ठीक है, अरे करो यार, नहीं नहीं क्यों नहीं कर रहे हो? बिजली वाला बोला है ज्यादा उछलना नहीं, 3-4 जगह तार खुले हैं। हमने कहा आइडिया बहुत अच्छा है मगर इसको करंट कहां से मिल रहा है? तो पीछे देखा तो भीड़ में सबसे पीछे अंधेरे में जीजा जी सर पे बैटरी लिए, अच्छा डांस करना बहुत जरूरी है, चाहे डांस करने की जगह ना हो, इतनी पतली गली होगी उसमें गटर है, मैनहोल है मगर ढक्कन नहीं है, कितने गड्ढे इंतजार करते हैं बरातियों का, जो गटर है वो मुंह खोले यूं आओ आओ, एक बाराती तो आओ, अब नाचना जरूरी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, एक सेकंड, अरे जीजा जी कैसे नाचे यार, इसमें गटर में ढक्कन नहीं, अरे यार दिमाग लगाओ, वो गटर के गड्ढे को दोनों पैर के बीच में ले लो और नाचो, लोग समझे नया स्टाइल है। अच्छा आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है मेरे दिल यार की शादी है, आज मेरे एक सेकेंड भैया दो बाराती अंदर है, बाराती क्या कह रहे हैं, नेतागिरी ना करो, आगे बढ़ो हम लोग दूसरी बारात के हैं, और बारात किसी तरह पहुंचती है। अच्छा सारी टेबल को तो वेटर लोग देखते हैं, एक टेबल को साली देखती है, जीजा जी की टेबल, उसका बनता भी है साली है, जीजा जी को सर्व करने आएगी, इतना बड़ा डोंगा उसने सिर्फ 2 गुलाब जामुन, पूरा इतराती हुई जीजा जी, एक रसगुल्ला मेरी तरफ से, नो आपने खाया होगा मैंने तो नहीं देखा, मेरे हाथ से तो नहीं लिया ना, नो वे, लेना पड़ेगा। अच्छा लोग हर तरफ इंतजाम करते हैं, हर जगह इंतजाम करते हैं, बहुत बढ़िया खर्चा करते हैं लोग शादियों में, पता चला
हर जगह का इंतजाम करते हैं लोग, खर्चा भी करते हैं, एक चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। घर पे बराती हैं 200-250 और घराती लड़की वधु पक्ष के लोग हैं 250-250 500 लोग हैं और 500 लोगों में टॉयलेट लैट्रिन सिर्फ दो, वो समझते हैं बेकार की चीज है, जो चाहेगा एडजस्ट करके कर लेगा। अब वहां लाइन लगी होती है, सबसे ज्यादा तकलीफ वहां होती है, लाइन लगी होगी और उस लाइन में लोग जबरदस्ती की बातें करते हैं, फालतू बातें लाइन में, कोई गया है क्या, कोई गया है, कोई गया है, पीछे वाला गुस्से से, नहीं गया नहीं है, गया नहीं भाई साहब, गया नहीं है, हम सूंघे के लिए खड़े हैं। तभी एक बच्चा भागता हुआ आया, चाचा चाचा खाली है, हाँ तू भर दे। और एक चीज आज तक समझ में नहीं आई मेरे, कुछ लोग क्या करते हैं, लाइन में नहीं लगते, अच्छा सूट उट पहने वो सोचते हैं ये गरीबों की लाइन है, हम तो स्टाइलिश हैं तो लाइन में लगेंगे, दूर दूर से बोलते हैं अरे निकलो भैया, अरे निकलो, तभी। और एक सवाल मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि टॉयलेट के लाइन में ये सवाल पूछते क्यों हैं, गया कौन है, कौन गया कौन है, अब इनसे पूछो नाम बता देंगे अगर तो तुमको आइडिया क्या आएगा, क्या तुम्हारे पास लिस्ट है, पूरे घर वालों की लिस्ट है कि विनोद गया है तो 15 मिनट, दिनेश गया तो 20 मिनट, ये पूछते क्यों, लेकिन पूछते हैं।